एक और जहां ग्रामीण पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, तो वही नहरी विभाग की लापरवाही किसानों और ग्रामीणों के लिए नुकसान का कारण बन रही है। कल गांव मोचीवाली के ग्रामीणों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर जलघर में रोष जताया था, तो वही आज सुबह न्यू मोचीवाली माइनर टूटने से नरमे की खड़ी फसल जलमग्न हो गई। जैसे ही किसानों को माइनर टूटने का पता चला तो वो मौके पर पहुंचे और विभाग के अधिकारियों को सूचित किया। सूचना मिलते ही विभाग के कनाल गार्ड अनिल कुमार मौके पर पहुंचे और जेसीबी की सहायता से माइनर को बंद कर दुरुस्त किया। किसानों ने बताया कि माइनर की हालात बहुत जर्जर व खस्ताहाल है। आज माइनर टूटने से किसानों को दोहरा नुकसान हुआ है। एक तरफ तो माइनर टूटने से नरमे की खड़ी फसल खराब हो गई तथा दूसरी तरफ जिन किसानों की पानी की बारी थी उनके पानी न लगने से नुकसान हुआ है। न्यूज़ फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ रिंग मंडी से विनोद स्वामी की रिपोर्ट। लोगों को पानी की जरूरत थी और ये आज सैकड़ों किसानों की बारी मर गई है और यहाँ पर जो नरमा है, दीवार है या एक किले में बताऊ लगाए हुए हैं वो भी खराब हो चुके हैं। तो इसलिए प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी ये मानियर बनाया जाए। मानियर सुबह में तो यहाँ पास ही में धानी वाले ने समाचार किया था 5:30 बजे कि आपके खेत में मानियर टूट गया। ये मानियर लगभग 4 और 3 के बीच बजे का टूटा हुआ है और इस मानियर की बहुत खस्ता हालत है। ये यहाँ 4-5 बजे टूट चुका है और हम प्रशासन से भी कई दफा मांग कर चुके हैं अभी ये मानियर बनना चाहिए, पर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब ये यहाँ पर 10-12 एकड़ में नरमे की फसल ख़राब हो गई है और आगे ज़मींदारों की बारी मर गई है, उनका भी नुकसान हुआ है और हमारा भी नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मानियर को जल्दी से जल्दी बनाया जाए ताकि किसानों की जो समस्या है वो समस्या हल हो जाए। बार बार जाते हैं पर इसकी कोई सुनाई नहीं होती। कम से कम एक साल में 10 बार टूट गयो। पूरे गांव की मांग है कि वो माइनर दोबारा बनाया जाए। बड़ी समस्या हो रही है। एक दिनों नहर आई है गांव में, पीना पानी को नहीं, नहर हटा टूट जाए, नहर हटा टूट जाए, बड़ी गलती हो रही है। तो सरकार भी वो माइनर दोबारा बनानी कृपा करे। सारे गांव की आई मांग है।